हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लखन वर्मा फिटनेस। आज का जो वीडियो होने वाला है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसके अंदर आपने एक लेटेस्ट वीडियो भी देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग के अंदर भी डाला है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोनाल्डो ने अपना जो बॉर्डर है, कोक का बॉर्डर, वो रिमूव करके पानी की बॉर्डर रख दी। सो ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कोक अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं या इफ यू आर वन ऑफ दोस जो कोक के बहुत ज्यादा दीवाने हैं, एवरीडे कंज्यूम करते हैं, आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो आपको वो क्यों आज ही और अभी ही छोड़ देनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोको कोला है वो एक कार्बोनेटेड ड्रिंक है। कार्बोनेटेड ड्रिंक का मतलब है एक सोडा ड्रिंक है जो ऑफकोर्स नेचुरली प्रोसेस नहीं होता, केमिकली प्रोसेस्ड होता है। उसके अंदर जो शुगर होती है वो भी नेचुरल नहीं होती। सो आपकी बॉडी को कितना इम्पैक्ट कर सकती है अगर आप उसको एवरीडे कंज्यूम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ 100 ग्राम एमएल कोक की, तो उसके अंदर आप मान के चलिए 10 से 10.5 ग्राम शुगर होती है, यानी जो एक 330 एमएल का कैन आता है कोक का, जो कि आई थिंक 35 या 40 रुपये का आता है, उसके अंदर आपको 9 टेबल स्पून शुगर मिलेगा। यानी 350 ml कोक के अंदर आप जो शुगर कंज्यूम कर रहे हैं वो होने वाली है 34 से 35 ग्राम। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, 9 टेबल स्पून शुगर, 9 चम्मच शुगर आप एक बार में कंज्यूम कर रहे हो, वो भी नेचुरली प्रोसेस्ड शुगर नहीं है, नेचुरल शुगर बिल्कुल भी नहीं है, आर्टिफिशियल शुगर आप कंज्यूम कर रहे हो। तो आप समझ सकते हो कि आप अपनी बॉडी को कितना ज़्यादा हार्म कर रहे हो अगर आप एवरीडे कोक कंज्यूम करते हो। इसके अलावा उसके अंदर कैफीन भी होता है। सो आई हैव नोन सम पीपल जो बहुत टाइम से कोक पीते हैं या खाने के बाद भी कोक पीते हैं, दे थिंक कि कोक पीने से जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा होता है, दे थिंक इसके अंदर सोडा होता है तो अच्छा रहता है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोक अगर आप पी रहे हैं, आप अगर कोक नहीं छोड़ सकते सो आप जीरो कोक ट्राई कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद धीरे धीरे कोक छोड़ सकते हैं, राइट। और इसे रिप्लेस आप अगर करना चाहें किसी ड्रिंक से, क्योंकि अगर आप खाने के बाद ले रहे हैं या खाने के साथ अगर आप कोक लेते हैं, ठीक है, तो आप इसको नींबू पानी से रिप्लेस कर सकते हैं। उसके अंदर एटलीस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू तो है, आपकी हेल्थ तो अच्छी बनी रहेगी, राइट। अगर मैं कोक के न्यूट्रिशनल वैल्यू की भी बात करूँ तो आप देखेंगे शुगर के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जीरो प्रोटीन एंड जीरो फैट्स। तो आपकी बॉडी को सिर्फ ये हार्म कर रही है, इसके अलावा कोई भी फायदा नहीं कर रही। दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो, यानी अगर आप उन लोगों में से हो जो किसी एक्टर को पसंद करता है, किसी सेलिब्रिटी को पसंद करता है, अगर वो कोई चीज एंडोर्स कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक चीज अच्छी है, राइट। अगर इस तरीके से होता तो आप सोच सकते हैं सलमान भाई की बॉडी कोक पी के तो नहीं बन सकती ना, राइट। ऋतिक रोशन की इतनी अच्छी बॉडी माउंटेन ड्यू पी के तो नहीं बन सकती ना, राइट। वो चीजों को एंडोर्स कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें आपके लिए अच्छी और आपको कंज्यूम करनी चाहिए। ये वीडियो मेरा जो बनाने का मकसद है वो बेसिकली इतना ही है, क्योंकि जो मेरा चैनल है ये एक फिटनेस और जहाँ ऐसा चैनल है जहाँ पे मैं न्यूट्रिशन की भी बात करता हूँ और होम वर्कआउट से रिलेटेड भी बात करता हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहिए उन लोगों के लिए जो कोक कंज्यूम कर रहे हैं कि उन्हें क्यों कोक नहीं पीनी चाहिए और अभी इसी वक्त छोड़ देनी चाहिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंटर कीप ट्रेनिंग एंड स्टे सेफ।